पहले कि आज एक और न्यू होस्टिंग के वीडियो लेके आ चुका हूँ और इस होस्टिंग में आपको 200% का सीपीयू, 4GB रैम, 24x7 प्योर 24x7, कोई आपको अपडेट नहीं करना है, रिन्यू नहीं करना है, 10GB का स्टोरेज और इंडियन नोड मिलने वाला है। और इस वीडियो का लाइक गोल 500 लाइक है, जो कि आप लोग इजीली कंप्लीट करवा सकते हो, तो करवा देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। और बाय चांस ये नया होस्टिंग है तो इनका सर्वर बाय चांस क्रैश होता है, क्रैश होगा नहीं बट बाय चांस क्रैश होता है, तो आप कल ट्राई करना, कर आपका सर्वर जरूर क्रिएट हो जाएगा। ये लोग बहुत जल्दी आपका सर्वर सही कर देंगे जो भी इनको प्रॉब्लम आएगा। ओके, तो अगर आज आपका सर्वर क्रिएट ना हो तो कल करना, बट आज ही हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो देखो गाइस, सबसे पहले आपको इनका डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है। डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन का लिंक एक्सपायर होगा तो पिन कमेंट के लिंक से जाना, वहां का मैं लिंक अपडेट करते रहूंगा। ओके, तो आपको वहां के लिंक पे क्लिक करके इनका डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है। ज्वाइन करोगे तो यहां पे आओगे, तो आपको यहां इनके मेनू पे क्लिक करके शो ऑल चैनल है, इस पे आप टिक कर देना। टिक करने के बाद आपको यहां नीचे में आपको इतने सारे ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप देखोगे ना तो यहां पे आपको लिंक का ऑप्शन है, लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहां पे पैनल का लिंक मिल जाएगा, पेड पैनल जो है उसका लिंक, डैशबोर्ड का लिंक और इनके वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो फ्री सर्वर कैसे क्रिएट करना है वो तो देखेंगे, बट उससे पहले अगर आपको पेड सर्वर वगैरह खरीदना है तो वो भी आप इनके होस्टिंग से खरीद सकते हो। यहाँ नोड इन्फो में देखो पेड प्लान है, ये नॉर्मल पेड प्लान है, तभी आप लोग कम दाम में अच्छे से सर्वर को खरीद सकते हो। बट अगर आपको अपने पेड प्लान में राइजन 9 का प्रोसेसर चाहिए तो आप इसी के नीचे राइजन 9 वाले पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ राइजन 9 का पेड प्लान है, 70 रुपए का, 1GB का रैम, 140 रुपए में 2GB रैम वाला सर्वर, ये सारे प्लान है। आप लोग ऐसे प्लान देखो और जो भी आपको प्लान पसंद हो आप इनके सर्वर में टिकट क्रिएट करके इसको खरीद सकते हो। और इनका जो पेड प्लान है उसका जो डैशबोर्ड और पैनल का थीम है वो काफी यूनिक और मस्त है, आप लोग ट्राई जरूर करना। बाकी चलते हैं फ्री सर्वर पे, कि आप फ्री सर्वर कैसे क्रिएट करके उसको यूज कर सकते हो 24x7 के लिए, ना ही कोई रिन्यू करना है ना ही कुछ भी। तो उसके लिए आपको लिंक पे क्लिक करना है, लिंक वाले चैनल में जाना है, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड का लिंक होगा, इस पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे जाना। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको लॉग इन करने बोलेगा, लॉग इन पे क्लिक करना, डिस्कॉर्ड आईडी के थ्रू इसको लॉग इन कर लेना, ऑथोराइज का ऑप्शन आएगा, ऑथोराइज क्लिक कर देना, आपका डिस्कॉर्ड के थ्रू इनका डैशबोर्ड लॉग इन हो जाएगा। लॉग इन होने के बाद देखो क्या करना है, लेट्स सी। लॉग इन होने के बाद आपको यहाँ पे सीपीयू इनका मिल जाएगा, आपके पास 200% का सीपीयू, मतलब 2 कोर का सीपीयू है, 4GB रैम, 10GB का डिस्क और 3 सर्वर स्लॉट है। और आपको यार रिन्यू वगैरह तो कुछ भी नहीं करना, बट समझ लो आपको सीपीयू बढ़ाना है, रैम बढ़ाना है, डिस्क बढ़ाना है, कुछ भी अगर आपको रिसोर्स बढ़ाना है तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉइन जमा कर सकते हो। लिंक वर्ड टाइप पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके भी कॉइन जमा कर सकते हो, एक बार में आपको 3 कॉइन मिलेगा। कॉइन यहाँ से आप देख सकते हो, मेरे फेसकैम के नीचे अपने लोगो नाम पे क्लिक करोगे तो आपको कॉइन दिखेगा, तो यहाँ पे मेरे कॉइन आप इस पे क्लिक करना, लिंक आ गया, लिंक पे क्लिक करके 3 कॉइन ले सकते हो। या फिर एफके पेज में जाके आप 60 सेकंड एफके यहाँ पे इस पेज को खोल के रखोगे तो आपको हर एक 60 सेकंड में 5 कॉइन मिलेगा। अब 5 कॉइन यहाँ से और लिंक वर्ड टाइप से जमा करना, जब अच्छे खासे आपके पास कॉइन हो जाए तो आपको रिसोर्स स्टोर में जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ से फ्री के रिसोर्स को परचेज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो आपको 300 कॉइन में 75% सीपीयू, 300 कॉइन में 1GB रैम, 50 कॉइन में 1 सर्वर का स्लॉट और 300 कॉइन में 2GB का डिस्क मिलेगा। तो आप 300 कॉइन जमा करो, सीपीयू बढ़ाना है तो सीपीयू, रैम बढ़ाना है तो रैम, डिस्क बढ़ाना है तो डिस्क, जो बढ़ाना है वो बढ़ा रो, आपको रिन्यू करने के लिए कॉइन नहीं लगेगा, बस रिसोर्स को बढ़ाना है तो उसके लिए आप कॉइन जमा कर सकते हो, या फिर 4GB फ्री में परमानेंट के लिए यूज करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सर्वर क्रिएट करने के लिए यो सर्वर पे क्लिक करना, यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक कर देना, यहाँ पे अपने सर्वर का नाम डाल दो, जैसे कि मैं डाल देता हूँ संजीत गेमिंग। उसके बाद आप सीपीयू में कितना कोर तो 2 कोर, कितना रैम तो रैम के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, सेम वे ही लिख देंगे, यहाँ पे 416 है तो हम इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। डिस्क कितना है तो 10,240 10GB, तो इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर देंगे। और नोड है इंडिया का, एक है हमारा मल्टी एक, इसको डिप्लॉय पे क्लिक करो, आपका सर्वर बन के क्रिएट हो गया, एकदम इजीली सर्वर बन चुका है। अब आप बस इसको एडिट, मतलब बाद में रिसोर्स कर इसका एडिट भी कर सकते हो, रिन्यू करने की जरूरत ही नहीं। अब आपको पैनल में जाना है तो यहाँ पे आप एकदम नीचे में जाओ, पैनल दिख जाएगा, बट पैनल के लिए आपको आईडी पासवर्ड चाहिए, तो आप पहले पैनल पे क्लिक करके पैनल को एक अलग मतलब टैब में ऑन कर लो, ठीक। यहाँ अलग टैब में हमारा पैनल ऑन हो गया। यहाँ ईमेल में क्या दोगे तो आप अपने डिस्कॉर्ड सर्वर जिस ईमेल पे बनाया हो वो ईमेल दे देना। यहाँ अकाउंट सेटिंग में क्लिक करके जाओगे तो यहाँ पे आपको आपका ईमेल दिख भी जाएगा, तो आप यहाँ से अपना ईमेल को कॉपी कर लेना, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। उसके बाद आप यहाँ पे रीसेट अकाउंट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक करना, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे तो ऊपर में
पासवर्ड आ जाएगा। इस पासवर्ड को यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पासवर्ड वाले में जाकर पेस्ट करके लॉग इन पे क्लिक करना, तो आपका पैनल लॉग इन हो जाएगा और जो भी आपने सर्वर क्रिएट किया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा इजिली। फिर आप डैशबोर्ड को यहाँ से काट सकते हो और उस पासवर्ड को आप बार बार रीसेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लॉगिन होने के बाद सर्वर पे क्लिक करो और क्या ही मस्त थीम है इनका पैनल का, वाओ काफी मस्त थीम लगा मेरे को। अब यहाँ आने के बाद आप डायरेक्ट स्टार्ट पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका सर्वर स्टार्ट होने लगेगा। सर्वर जो स्टार्ट होगा वो 1.20.1 वर्जन में 21 वर्जन में स्टार्ट होगा। आपको यहाँ पे सीपीयू जो भी है यहाँ पे लीक के भी आ जाएगा, तो इसको स्टार्ट होने देना। ठीक, जब पहली बार स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछेगा कि आपको क्या मतलब कौन सा सर्वर क्रिएट करना है। तो हमें माइनक्राफ्ट जावा का क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे माइनक्राफ्ट जावा का नंबर 1 है तो 1 लिख के इंटर कर दूंगा। तो उसके बाद आपको पूछेगा कौन सा सॉफ्टवेयर, तो हमें पेपर करना है तो हम फिर पेपर का नंबर 1 है तो 1 लिख के इंटर कर देंगे। फिर यहां पे आपको कौन सा वर्जन में आपको सर्वर क्रिएट करना है, 1.20.4 तक का ऑप्शन है तो मैं 1.20.1 का क्रिएट करूंगा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1.20.1 एंड इंटर। तो हमारा 1.20.1 का होगा। यहां पे फिर आपको EULA एक्सेप्ट करने बोलेगा, तो Y क्लिक करके इंटर कर देना। तो अब आपका सर्वर 1.20.1 में इंस्टॉल होगा और सर्वर स्टार्ट होगा। मैं आपको यहां पे सर्वर का वर्जन भी याद है, खुद पहली बार जब आप सर्वर स्टार्ट करोगे तो चूज कर सकते हो, जो कि काफी बढ़िया है। तो बस इतना प्रोसेस कर लेना, इसके बाद अब आपका सर्वर यहाँ से स्टार्ट होने लगेगा। लास्ट एक और क्वेश्चन पूछेगा कि आपको जावा 17 रखना है या 21, तो मैं बोलूंगा आप यहाँ पे 21 या 17 कोई भी चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 1 ही करता हूँ, 1 करके इंटर कर दो। तो आपका जावा 17 में आपका सर्वर इंस्टॉलिंग होगा और फिर सर्वर स्टार्ट होगा। बाय चांस अगर और कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको उसका आंसर दिखाऊंगा, वरना आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। यह सर्वर यहाँ पे स्टार्ट होने लगा, तो आप सर्वर पूरा स्टार्ट होने दो। फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके 500 लाइक कंप्लीट कराओ। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, ऐसे मस्त मस्त कंटेंट हम लाते रहते हैं। ओके, फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और अब सर्वर स्टार्ट करके फिर हम मिलते हैं, लेट्स गो। तो देखो सर्वर मार्क रनिंग लिख के आ चुका है, मतलब आपका सर्वर स्टार्ट हो चुका है। बट अभी यहाँ पे आप आईपी लेके सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, बट हमें इसके अंदर प्लग इन डालना है, क्रैक के लिए ऑन करना है, वो सब आप कैसे करोगे? तो उसके लिए देखो यहाँ पे आपके फाइल का ऑप्शन है, डाटा बेस का ऑप्शन है, शेड्यूल्स का ऑप्शन है, यूजर जाकर आपको किसी को एक्सेस देना वो यहाँ से देख सकते हो, बैकअप लेना है बैकअप ले लो, नेटवर्क है, स्टार्टअप है, सेटिंग है, बहुत कुछ है। तो आपको प्लग इन और क्रैक ऑन करने के लिए फाइल पे क्लिक करके फाइल में जाना है। आपको पहले क्रैक ऑन करने के लिए नीचे जाना, आपको सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज होगा इस पे क्लिक करके इसके अंदर जाना। इसके अंदर आप इधर में जाओगे तो आपको ऑनलाइन मोड जो कि ट्रू है, ट्रू को यहाँ पे आप काट के फॉल्स कर देना और फॉल्स करके जब आप सेव कर दोगे यहाँ पे सेव कंटेंट पे क्लिक कर दोगे तो आपका ऑनलाइन मोड इनेबल हो गया। बस सर्वर रिस्टार्ट करो और ऑफलाइन वाले मतलब टी लॉन्च वाले बंदे भी आपके सर्वर को ज्वाइन करके खेल पाएंगे, ऑनलाइन मोड ऑफ हो चुका है। ओके, और उसके बाद अगर मैक्स प्लेयर आपको 20 से ज्यादा करना है तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, मैं 50 कर देता हूँ और इसको सेव कंटेंट पे क्लिक कर दो। तो हमारे मैक्स प्लेयर 20 हो चुका है, 50 हो चुका है और ऑनलाइन मोड फॉल्स हो चुका है, मतलब टी लॉन्च वाले बंदे भी ज्वाइन कर पाएंगे। उसके बाद प्लग इन आने के लिए फिर फाइल पे क्लिक करके फाइल में जाओ, प्लगइन का फोल्डर है इस पे क्लिक करके फोल्डर में जाओ, यहाँ अपलोड का ऑप्शन होगा अपलोड पे क्लिक करो, जो भी आपको प्लगइन डाउनलोड करना है अलग से डाउनलोड कर लो और उन सारे प्लगइन को सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर दो। सारा प्लगइन यहाँ पे अपलोड होने लगेगा, एक एक करके जैसे चारों अपलोड हो जाएगा आपका प्लगइन अपलोड हो गया। अब आप बस कंसोल पे क्लिक करके कंसोल में जाओ, एक बार लास्ट सर्वर को रिस्टार्ट कर दो। अब आपका सर्वर में जो प्लगइन आपने डाला है वो प्लगइन भी वर्क करेगा और जो हमने क्रैक ऑफ किया है मतलब क्रैक इनेबल ऑन किया है वो भी वर्क करेगा और 20 प्लेयर से 50 प्लेयर भी स्लॉट हो चुका है। ठीक, अब सर्वर को दोबारा रिस्टार्ट करते हैं और सर्वर स्टार्ट होने के बाद फिर मिलते हैं और आपको सर्वर ज्वाइन करके सर्वर को दिखाते हैं कि सर्वर कैसा परफॉर्म करता है, लेट्स सी। तो देखो यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आईपी को कॉपी करो, गेम के अंदर जाओ, मल्टीप्लेयर में जाओ, एड सर्वर पे क्लिक करो, आईपी को यहाँ पे पेस्ट करो, डन करो और रिफ्रेश करके नीचे जाओ। थोड़ा वेट करोगे तो यहाँ पे आपको 50 सर्वर का स्लॉट भी दिखाएगा। तो देखो यहाँ पे 50 सर्वर स्लॉट हो चुका है। उसके बाद अब आप जॉइन पे क्लिक करो तो आपका जॉइन भी हो जाएगा, जबकि आपने माइनक्राफ्ट 1.21 से जॉइन किया और सर्वर हमारा 1.20.1 में, फिर भी सर्वर जॉइन भी हो गया और सारा चंग वगैरह लोड है, इतना स्पीड में इतना स्मूथ चल रहा, पूरा चंग एक बार में लोड है। और मैं यहाँ पे ऑपरेटर नहीं हूँ, ऑपरेटर बनना है तो आप इनके डैशबोर्ड में जाना है, डैशबोर्ड में जाके यहाँ पे ओपी और संजीव गेमिंग वाटी जो कि यूजर नेम है वो यूजर नेम लिख के यहाँ पे इंटर कर देना, तो आप ऑपरेटर भी बन जाओगे। फिर गेम के अंदर जाओ, क्रिएटिव हो जाओ, क्रिएटिव हो गया आप हवा में उड़ो, आपका चंग वगैरह एकदम स्पीड में लोड हो चुका है, थोड़ा भी आपका मतलब ग्लीम यहाँ पे क्या कहते हैं स्लो नहीं है और लैग नहीं है, एकदम स्मूथ सर्वर चल रहा।
और आप इसको इजीली इंजॉय कर सकते हो। अगर हम टीपीएस इसका चेक करें तो वो भी देख लेते हैं, टीपीएस एंड इंटर तो 2019 का है, क्योंकि बढ़िया टीपीएस है, आप लोग भी देख पा रहे हो टीपीएस वगैरह काफी बढ़िया है और हमारा चंग वगैरह भी एकदम स्मूथ में लोड हो रहा है। तो आप इस बार इजिली चंग वगैरह का भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, लैग बिल्कुल नहीं है और एकदम स्मूथ है, मक्खन है और इंडियन नोट पे है, 4GB रैम है, 200% सीपीयू है। अभी तो इजिली मक्खन के तरह यूज कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ इसको खेल सकते हो। इतना आ गया है तब थोड़ा टाइम के लिए चंग लोड हुआ, लोड नहीं हुआ और फिर इंस्टेंट चंग लोड हो भी गया। सर्वर अब 4GB रैम और फ्री सर्वर के हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया है। राइजन 9 पेड सर्वर तो नहीं है बट फ्री के हिसाब से काफी ज्यादा मस्त है। अभी तक जितने भी मैंने होस्टिंग बनाया उसमें एक तरह से अभी तो बढ़िया है, बाकी अब इस वीडियो के बाद क्या परफॉर्मेंस होगा वो देखने वाली बात होगी। बट अब जाओ सर्वर को ट्राई करो और अपने दोस्तों के साथ खेलो, इंजॉय करो और इस वीडियो को लाइक करके 500 लाइक कंप्लीट कराओ कि ऐसे और भी मस्त मस्त होस्टिंग के वीडियो मैं आपके लिए लेके आते रहूं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, लव यू एंड बाय बाय।